तो भाई सोशल फार्मेसी है ना, सोशल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 6 है। क्या है? लेक्चर नंबर 6, राइट, सॉरी लेक्चर नंबर 5, L5 लेक्चर नंबर 5 है। देखो हमने कहां तक पढ़ लिया था पहले ये जानना जरूरी है। तो हमने पढ़ लिया था मम्स तक, प्रीवियस वीडियो हमने रूबेला और मम्स का पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करेंगे। अब इन्फ्लुएंजा कई तरीके का होता है, इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग एवियन फ्लू, H1N1, SARS, MERS, COVID-19, पांच तरीके की हैं। तो पांच तरीके के डिजीज हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, समय है कम, सो लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लुएंजा मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंजा मतलब फीवर, इन्फ्लुएंजा मतलब सर दर्द, सडन अनएक्सप्लेन्ड। सडन सिम्टम में क्या आ जाएंगे? सिवरिंग होने लगेगी बिना किसी वार्निंग के, टायर्डनेस होने लगेगी, सडन एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस हो जाएगी, चिलिंग होने लगेगी, अनएक्सप्लेन्ड मींस ठंड लगने लगेगी, दैट इज टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड एज ए फ्लू। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली क्या बोलते हैं? हम फ्लू बोलते हैं, ठीक, ओके भाई। तो इट इज द इलनेस कॉज्ड बाय द वायरस रेस्पिरेटरी, देखो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की बहुत सारी चीजें आपस में कॉमन है, इसलिए डिफरेंशिएशन रखना जरूरी है, ठीक। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंपेयर्ड विद द मोस्ट ऑफ द वायरल रेस्पिरेटरी सच एज द कॉमन कोल्ड, जैसे बाकी में कॉमन कोल्ड होता है वैसे इन्फ्लुएंजा में होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो ऑर्थोमिक्सोवायरस होता है। क्या होता है? ऑर्थोमिक्सोवायरस होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमारी किताब में कुछ और दिया, हमारी किताब में, देखो बेटा ऐसा ना, जो स्टैंडर्ड नाम है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो देसी लैंग्वेज में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, तो आपकी किताब में आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, इसलिए देसी नाम याद हैं आपको, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ ये नाम याद होने जरूरी हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरियम दैट कॉजेज द लंग इन्फेक्शन। कौन सा? हीमोफिलस, हीमोफिलस नाम रहे, याद रहे, लंग इन्फेक्शन किसमें? इन्फेंट्स में और बच्चों में। ओकेजनली कहां? कॉजेज ईयर, आई, साइनस, ज्वाइंट, फ्यू अदर इन्फेक्शन, बट नॉट द फ्लू। ये लंग इन्फेक्शन कॉज करता है बच्चों में, कान का इन्फेक्शन, आई का इन्फेक्शन, साइनस का इन्फेक्शन, ज्वाइंट का इन्फेक्शन, लेकिन ये फ्लू नहीं है, ये फ्लू नहीं है, राइट। तो फ्लू की एपिडेमियोलॉजी बेसिकली क्या है? तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? केसेस या सब क्लिनिकल केसेस, मींस किसी को अगर फ्लू हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में आए, या कोई उसका कैरियर है ना, तो किसको केसेस या सब क्लिनिकल केसेस कह सकते हैं। इन्फेक्टिव पीरियड 7 डे फ्रॉम अ बिगिनिंग, है ना, कितना? 7 डे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इन्फेक्शन, जिस दिन से इन्फेक्शन हुआ है उसके 7वें दिन से। ये कैसा रहता है? 7 दिन तक कैसा रहेगा? ये इन्फेक्टिव रहेगा, मीन्स इन्फेक्शन फैलाएगा, मेल हो चाहे फीमेल, सभी एज ग्रुप में। इम्यूनिटी की बात करें तो टेम्पररी सब टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज अबाउट 8 to 12 months आफ्टर एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। एक बार अगर हो गया तो 8 से 12 महीने तक आपको दोबारा नहीं होगा, 8 से 12 महीने तक आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वापस से इन्फ्लुएंजा का अटैक पड़ सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 18 से 72 घंटे इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मीन्स फर्टाइल पीरियड होता है, राइट भाई। इट मीन्स आपके इन्फेक्शन लगने, आपको इन्फेक्शन जब लगा है तो 18 से 72 घंटे के बाद आपको इन्फेक्शन का एहसास होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि 100 से 103 एडल्ट्स में 100 से 103 डिग्री सेल्सियस बुखार आता है, कई बार बच्चों में और ज़्यादा भी हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम की अगर हम बात करें तो कफ हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, रनी नोज होती है कई बार, और कई बार स्टफनेस हो जाती है ना, मीन्स नाक दोनों बंद हो जाती है, हेडक, मसल एक, फटीग, और सम टाइम फटीग एक्सट्रीम हो जाती है, मीन्स थकान जरूरत से ऊपर के लेवल की होती है। द टर्म स्टमक फ्लू बोले तो इज द मीन मिसनोमर दैट इज द सम टाइम यूज द डिस्क्राइब GIT इलनेस, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो बैक्टीरिया है हमारी वो इल कर देते हैं हमारी बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस कॉज्ड बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें इसके,
तो इन्फ्लुएंजा फ्लू स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, जितने भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं सब कम्युनिकेबल हैं, सब बात करने से, ड्रॉपलेट शेयरिंग से, खांसने से, स्नीजिंग से, सब का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक जैसा है। ठीक, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से आप मिले, जितने भी अब तक हमने पढ़े और आगे भी जितने हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन पढ़ेंगे, सब का मोड ऑफ, देखो मैक्सिमम चीजें कॉमन है, मैक्सिमम चीजें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देख लो पलट के सबका कॉमन है। कॉजिटिव एजेंट अलग है, एपिडेमियोलॉजी में थोड़ा सा चेंज है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट, किसी को हो गया अगर किसी को फ्लू हो गया तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या रिकमेंड करेगा कि आप वैक्सीन लो, आप ड्रग लो पहले से ताकि इन्फ्लुएंजा आपको ना हो, इन्फ्लुएंजा का ट्रांसमिशन ना हो। अगर आप किसी भी केस से मिलकर आते हो जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो बेटर है कि अपना टेस्ट करवा लो। जैसे कोविड के केस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख गए थे। अब बात करें नेक्स्ट की फ्लू के अंदर कई चीजें हैं, जैसे बर्ड फ्लू एक टाइम पे फैला था, याद करो ये पंछियों से फैलता था। स्पेशली जब बर्ड फ्लू आया था तो जो लोग चिकन खाते थे उन लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था, ये चिकन से इन्फेक्शन फैल रहा था। भाई ऐसे तो कोई उड़ती हुई बर्ड को अगर इन्फेक्शन है भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता इतना, लेकिन चिकन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था, लोग पका के खाते थे उसको, है ना। तो कहने का मतलब जब बर्ड से इन्फेक्शन तो बर्ड से इंसानों में पहुंच गया था। तो अक्सर अभी साल दो साल पहले भी बहुत तेजी से बर्ड फ्लू फैला हुआ था, तो उस टाइम पे चिकन वगैरह की बिक्री लगभग ना के बराबर हो जाती, बंद हो जाती है ना। तो बर्ड फ्लू किससे, बर्ड से, इसीलिए बर्ड का नाम पड़ा। इसी को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, इसी बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ध्यान रहे। ठीक, इन्फेक्शन कॉज बाई एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसकी वजह से ये फैलता है। बर्ड फ्लू कैन इन्फेक्ट मैनी टाइप ऑफ बर्ड स्पीसीज, कई तरह की बर्ड स्पीसीज को इन्फेक्ट करता है, जैसे डोमेस्टिकेटेड बर्ड में क्या आता है आपका, मुर्गा, चिकन, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस डिजीज क्या है, माइल्ड रहती है, लेकिन सब टाइप में कई बार क्या होती, काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है ना। किल बर्ड्स विद इन 48 आवर्स, मीन्स जो बर्ड्स इन्फेक्टेड हो गई हैं 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और अगर इसी में किसी इंसान ने इन्फेक्टेड बर्ड को खा लिया तो उस इंसान के अंदर ये कॉजिटिव एजेंट पहुंच जाता है जो उस इंसान को बीमार कर देता है। रेयरली ह्यूमंस कैन बी इन्फेक्टेड बाई दीज बर्ड्स वायरस, ये जो बर्ड का वायरस होता है रेयर केस में इंसान इन्फेक्टेड होता है, लेकिन होता है। पीपल हु गेट इन्फेक्टेड द बर्ड फ्लू यूजुअली हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इन्फेक्टेड बर्ड, मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चाहे इन्फेक्टेड बर्ड के या उसके वेस्ट के, वेस्ट प्रोडक्ट उसके कॉन्टेक्ट में आया हो। इन्फेक्टेड बर्ड में सीधी सी बात है, अगर कोई चिकन है, कोई मुर्गा खाता है, मुर्गा अगर इन्फेक्टेड है, अगर उसने खा लिया तो वह आदमी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दैट वायरल टाइप इन्फेक्शन रेंज माइल्ड या सीवियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये डिपेंड करता है कि जो मुर्गा आपने खाया वो कितना बीमार था, उसके अंदर जो वायरस था वो कितना प्रोमिनेंट हो गया था, कितना स्ट्रांग हो गया था। वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपके शरीर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है वो जो खाया आपने मुर्गा तो स्वाद के लिए खाया है ना, तो जो स्वाद के लिए खाया तो अगर वो ज्यादा बीमार था तो आप ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, वो कम बीमार था तो आप कम बीमार पड़ोगे, है ना। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ये है कि जब इन्फ्लुएंजा फैले तो मुर्गा खाना बंद कर दो, ठीक, उसके प्रोडक्ट खाना बंद कर दो, प्रोडक्ट मीन्स अंडा खाना बंद कर दो, राइट। एंटीवायरल एजेंट लेना शुरू करो जिससे कि इन्फ्लुएंजा से बचा जा सकता है। एंटीवायरल एजेंट शुड नॉट कंसीडर्ड एज द सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव ऑफ द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन फर्स्ट प्रेफरेंस। एंटीवायरल एजेंट हमने ले लिया इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमें वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं। एंटीवायरल एजेंट आपको कुछ समय के लिए जरूर बचाता है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन ले ली तो वैक्सीन आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देगी थी। तो एंटीवायरल ड्रग्स या एंटीवायरल एजेंट कभी भी वैक्सीन की जगह नहीं ले सकते, क्लियर। अब H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की बात करें, स्वाइन फ्लू मतलब पिग में होता है, ये पिग से फैलता है, पिग से फैलता है। पता कैसे चलेगा, फोटो से पता चल रहा, देखो इसका नोज का सैंपल लिया हमने, स्वैब सैंपल, नोज का और मुंह का स्वैब सैंपल लिया और उनकी टेस्टिंग की, तो H1N1 का जो वायरस है जिसको हम, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है, मीन्स
पिग वायरस बोल सकते हो इसको, है ना। स्वाइन फ्लू इज द वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्ट द पिग्स, है ना। 2009 में ये खूब भयंकर तरीके से फैला था, हर शहर हर जगह पे ये खूब फैला था, है ना। स्ट्रेन ऑफ द स्वाइन फ्लू कॉल्ड H1N1 इन्फेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। जैसे कोविड फैला था तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोविड की तरह डेंजरस था, लेकिन कई देशों में स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैला हुआ था। पॉजिटिव एजेंट भी इसका भी ऑर्थो मिग्जोविरिडी फैमिली का है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये ऑर्थो मिग्जोविरिडी फैमिली का ये पॉजिटिव एजेंट होता है। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है भाई, वायरस इंटर्स द बॉडी थ्रू द इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट। सिंपल, मैंने कहा ना एक ब्रह्मास्त्र बता दिया मैंने कि पॉजिटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन इम्यूनिटी, है ना, और पॉजिटिव एजेंट सबके वायरस, उसी के नाम से उसका वायरस H1N1 वायरस कह दो वो भी चलेगा, है ना। फिर मोड ऑफ और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे, क्लिनिकल केस या सब क्लिनिकल केस मींस, और कैसे फैलेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड थ्रू, ये पिग के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर कोई इंसान पिग के कॉन्टेक्ट में आया और उसके अंदर इन्फेक्शन चला गया, अब आपका वो दोस्त है साथ में बैठ के पानी पी रहे हो उसी ग्लास से, उसी में उसने पिया उसी में आपने पी लिया, तो इनडायरेक्टली ड्रॉपलेट शेयर हुई, बात कर रहे हो ड्रॉपलेट्स। मैंने कहा ना कई लोग ऐसे होते बोल दे तो पूरे मुंह पे छप जाए, इतना थूकते हैं बोलने में, है। तो अच्छा, न्यूट्रिशन में वाइटामिन सी, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करते हैं। कभी भी देखो कोई इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, मौसम्मी का जूस पिलाओ, मौसम्मी का जूस पिलाओ जल्दी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, और विटामिन सी क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। तो विटामिन सी खाओ और बीमारियों से दूर रहो। ओके, इम्यूनिटी नो नेचुरल इम्यूनिटी, किसी तरह की भी कोई नेचुरल इम्यूनिटी इससे नहीं होती, एक बार हुआ तो दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन का होता है, कंटेजियस पीरियड 5 से 7 दिन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, जब किसी पेशेंट में सिम्टम आ जाते हैं तो 5 से 7 दिन तक उससे मत मिलो, अगर मिलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इंक्यूबेशन पीरियड में 1 से 4 दिन तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पिग, या फिर कोई इंसान जो उससे कंटामिनेटेड हो गया है उससे अगर आप कॉन्टेक्ट में आते हैं तो भी आपको फैल सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे पता चलेगा, बॉडी में पेन होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट, टायर्डनेस, चिल, हेडेक, फीवर, ठीक। सीवियर केस ऑफ स्वाइन फ्लू में लीड द रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड डेथ। जितना भी एक जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ना H1N1 यानी स्वाइन फ्लू का, जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन सब में चिपका दो, कोई समस्या नहीं, यही फर्स्ट क्लास आ जाएगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट सब जगह यही चिपका दो, स्वाइन फ्लू हुआ वैक्सीन ले लो, है ना, कुछ भी हुआ उसका वैक्सीन ले लो। फर्मा पीपल अबाउट, अब किसी को भी अगर कोई भी बंदा इससे इन्फेक्टेड है तो उससे दूर रहो। WHO ने स्वाइन फ्लू से प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें बताई थी, पीपल शुड कवर द नोज एंड माउथ, मास्क लगाओ, याद करो कोविड, है ना, विद द टिश्यू वाइल द कफिंग और स्नीजिंग, मीन्स जब कफ और स्नीजिंग करो तो आपके हाथ में टिश्यू होना चाहिए, या फिर हाथ के कॉन्टेक्ट में नहीं तो ऐसे भाई कपड़ा पहने हुए उसमें जाके छींक लो, है ना। तो इस तरह से करके मींस डायरेक्ट कांटेक्ट में आप नहीं आओगे और दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचाओगे। पीपल शुड वॉश देयर हैंड विथ सोप और रनिंग वाटर, कोविड का केस याद करो सब याद हो जाएगा। दे शुड ऑल्सो यूज द एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कोविड। पीपल शुड अवॉइड द टचिंग ऑफ आई नोज एंड माउथ, याद करो डॉक्टर्स बताते थे कोविड टाइम पे कि हमारी आदत है कभी फील करके देखो बार बार दिन भर में कई बार अपनी आंख छूना अपना चेहरा छूना करते थे, ये टच करने की आदत कम कर दो, इन्फेक्शन कम, नहीं तो हाथ में कहीं लग गया, यहां पता लगा कोई थूक के गया, हाथ गलती से लग गया और फिर छू रहे हो तो आप तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। फिर सार्स की बात करें, सार्स मतलब ये कोविड का ही स्ट्रेन था, याद करो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड का ही स्ट्रेन था, है ना। इट इज कॉज्ड बाई द वायरस सार्स, सार्स बोले तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, न्यू स्ट्रेन था किसका, कोरोना वायरस का। पॉजिटिव एजेंट सार्स कॉज्ड बाई द वायरस बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली, खतरनाक, है ना। एपिडेमियोलॉजी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सार्स, या सार्स से जो भी इन्फेक्टेड है उसके ड्रॉपलेट शेयरिंग से ये हो जाएगा। इम्यूनिटी म्यूकोसल इम्यूनिटी मेनली प्रोवाइडेड बाई IgA टिश्यू रेजिडेंट द टी सेल्स,
जैसे जब कोविड हुआ था लोगों को प्लाज्मा चढ़ाया गया था, तो प्लाज्मा में क्या चढ़ाया गया, यही तो चढ़ाया गया, इसी से तो इम्यूनिटी आई। तो किसी को अगर एक बार हो गया इन्फेक्शन तो उसकी बॉडी क्या है, इम्यूनिटी, IgA एंटीबॉडी बना लेते हैं, तो वो IgA एंटीबॉडी जो है दोबारा जो है उससे लड़ने में मदद करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन, थ्रू द सर्टेन केसेस इट एक्सटेंड 10 डेज या 14 डेज। याद करो कि कितने दिन का क्वारंटाइन पीरियड था, 14 दिन का। बाद में जब सेकेंड स्ट्रेन आया था, दूसरी लहर आई थी, तो उस समय 14 से घटा के 1 हफ्ते का कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का था। ठीक, इस टाइम पे वो दिखना शुरू हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, सरफेस कॉन्टैक्ट मीन्स कुछ भी छू। याद करो लोग क्या करते, सैनिटाइजर लेके घर के जो डोर के हैंडल होते थे, गेट के हैंडल होते थे, वो सैनिटाइज करते रहते थे। क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट शेयरिंग, है ना, जब एक दूसरे से पास में खड़े होकर बात किया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता था, कफ, डिफिकल्ट टू ब्रीदिंग और फीवर मोर देन 100 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, अदर सिम्टम सार्स की बात करें तो ठंडी लग के शेकिंग होना, शिवरिंग होना, कफ यूजुअली 2-3 दिन तक रहता था, फीवर, हेडक और मसल्स पेन, ये सब क्या है, कोविड के सिम्टम हुआ करते थे। वही, चूंकि सार्स भी एक तरह का कोविड का दूसरा नया स्ट्रेन था, अब इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, अक्सर मोदी जी आके मन की बात करते थे, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क लगा के रहिए, है ना, नो वैक्सीन इज अवेलेबल, सार्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी उस टाइम तक, बाद में वैक्सीन डेवलप हो गई। ओके, आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड पर्सन, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो और जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करो। मेडिकल स्टाफ क्या करेगा, उसके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेगा, है ना। दूसरा, आइसोलेटेड पर्सन के साथ जो लोग भी सस्पेक्टेड हैं उन लोगों की टेस्टिंग करो, स्क्रीनिंग करो उनकी। बेसिक हाइजीन पे ध्यान दो, जैसे बार बार हाथ धोना, पेशेंट से दूर रहना, एप्रोप्रिएट फिटेड मास्क, ऐसा नहीं है कि मींस मीडियम साइज का कपड़ा पहनते और एक्सल पहन लो, है ना, तो फिट ऐसा मास्क पहनो जो फिट हो जाए, ऐसा नहीं कि पलरा लगा पहन गया और लटक गया यहाँ तक। खूब लोग करते थे मास्क, बस नाम को कान में लगाए हुए, बाकी यहाँ तक रहता था गले पे, चेहरे पर रहते नहीं थे, तो क्या फायदा उसको लगाने, खाली लगाए इसलिए कि गवर्नमेंट फाइन ना लगा दे, है ना। तो टू कंडक्ट द एग्जिट स्क्रीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आती हैं, तो कोई भी बाहर से अगर आता है तो उसकी थॉरो स्क्रीनिंग करना जरूरी है, राइट। अब फिर बात करें मर्स की, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट बोले तो ये अर्बन कंट्री की बात करें, है ना, सऊदीया वगैरह, ये बेसिकली देखो ऊंट बना है, इसका मतलब ये कैमल से होता था। मिडिल ईस्ट नाम ही पड़ा मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री आती हैं, गल्फ कंट्री मैक्सिमम उसमें है, तो वहां पे ये बहुत तेजी से फैला था, और फैला किससे, कैमल से था, क्योंकि गल्फ कंट्री में कैमल का इस्तेमाल, रेत वगैरह ज्यादा है इसलिए खूब होती है। मर्स कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस, है क्या, ये भी एक तरह का कोरोना वायरस था जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो था, कॉजिटिव एजेंट क्या है, मर्स स्ट्रेन कोरोना वायरस नोन एज द मर्स कोविड। इसी मर्स को क्या, मर्स कोविड बोलते थे, है ना, मींस उसी का ही एक स्ट्रेन, पता ना, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन आए थे कोविड के, नंबर ऑफ स्ट्रेन आए दिन म्यूटेशन होता रहता था। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज बाय मर्स को वायरस ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन फ्रॉम द इन्फेक्टेड ड्रोमेट्री कैमल्स। ड्रोमेट्री कैमल्स जो डोमेस्टिक कैमल्स होते थे भाई, जिन पे लोग इधर से उधर जाया करते थे, है ना, तो ये कैमल्स भाई उनके कॉन्टेक्ट में अगर कैमल इन्फेक्टेड है तो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता था। मर्स कोविड नाम ही उसका पड़ा। जूनोटिक वायरस बोलते थे क्योंकि ये एनिमल्स में होता था। जूनोटिक का मतलब ही एनिमल्स में होता था। ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ। ठीक, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पे ये सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मर्स जो कोविड का वायरस है, ये वहां पे के जो कैमल्स हैं उनसे ह्यूमंस में हुआ, फिर बाद में ये इंटरनेशनल फ्लाइट पे ट्रेवल किए, जिन जिन कंट्री में गए वहां पे ये फैलता चला गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह करके मल्टीप्लीकेशन में लोग। इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 5 दिन, बट सम टाइम में 2 से 14 दिन तक होता था। एज की बात करें 50 से 59, एज ग्रुप हाईएस्ट रिस्क। याद करो सबसे पहले 60, कोविड किसको लगा था, 60 साल से ऊपर वालों को पहली प्रायोरिटी दी गई कि भाई पहले इनको बचाओ। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट रिस्क में थे।
इम्यून कंप्रोमाइज्ड लोग होते, जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती जाती है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें, कंटेजियस पीरियड मर्स कोविज कोई स्टडी नहीं हो पाई थी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन आए, उसने आपके सामने खांस दिया, आपके सामने छींक दिया, आपसे बात कर लिया, ढेर भर के थूक दिया, तो समझ लो कि आपको इन्फेक्शन हो गया। अब फाइनली टेस्ट करवा लो, राइट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम वही, फीवर, कफ, रनी नोज, मसल एक, ब्लड इन कफ, कफ में कभी कभी ब्लड आ जाना, नोजिया, वोमिटिंग, चिलिंग, सोर थ्रोट, ट्रबल इन ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो ये जितने भी फंक्शन बताए, जितने भी सिम्टम बताए, ये कॉमन सिम्टम होते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें, तो फार्मासिस्ट का जनरल रोल क्या होता है कि भाई हाथ धुलो रनिंग वाटर और सोप से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, लोगों से दूर रहो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, मास्क लगा के रखो, बिना हाथ को धुले अपनी नाक पे, अपनी आंख पे, अपने चीक्स को मत छुओ, ठीक। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपरली, कपड़ों को रखो, सरफेस को रखो, और किसी भी पर्सन से क्लोज कॉन्टेक्ट मत रखो, 6 फीट की दूरी है जरूरी, है ना। फिर बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस, दैट इज पैंडेमिक, नन अदर देन COVID-19। COVID-19 कोरोना वायरस चूंकि 2019 में आया, इसलिए नाम पड़ गया COVID-19, कॉज बाय द नोवेल कोरोना वायरस, इज ऑल्सो कॉल्ड सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2। सार्स कोविड पहले आया, फिर सार्स कोविड 2 आया, है ना। फॉर्मली कॉल्ड 2019 एनको, है ना। फर्स्ट आइडेंटिफाइड आउटब्रेक रेस्पिरेटरी इलनेस कहां पे, वुहान सिटी, कहां की, चाइना की। सबसे पहले चाइना की वुहान सिटी में ये डिटेक्ट किया गया। पॉजिटिव एजेंट क्या था, कोरोना COVID-19 का एजेंट हाईली कंटेजियस सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, न जाने कितनों की जान ले ली, और कितने लोग, गिनती नहीं है, मींस काउंटिंग डेटा तो सही है ही नहीं हमारे देश में किसी भी एजेंसी के पास कि कितने लोग मर गए। इस बात का भी कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों को हॉस्पिटल में दवा दी गई, कितने लोगों तक दवा पहुंच पाई, कितने ऑक्सीजन से मरे, कितने दवा के साइड इफेक्ट से मरे, और कितने इसलिए मर गए कि उनको की केयर नहीं की गई। प्रॉब्लम ये थी कि रूल ऐसे बना दिए गए कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर गया तो समझो जेल में चला गया, उसका फैमिली वाला ना उससे बात कर सकता है, ना वीडियो कॉल कर सकता है, ना मिल सकता है। अगर यही एक सुविधा मिल गई होती तो जितने मरे हैं 50% से ज़्यादा लोग आज जिंदा होते, 50% से ज़्यादा। कहने की बात है कि लोग परिवार के मिलेंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा, वैसे भी तो लोग मर रहे थे, परिवार के लोग होते तो शायद मॉरल इम्यूनिटी, जो सभी इम्यूनिटी से बड़ी है, लोगों को बचाया जा सकता था, बहुत लोग बच जाते, राइट। इट अज्यूम दैट द बीटा कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड इन बैट्स, ये माना जा रहा था कि जो कोरोना वायरस चीन में डिटेक्ट किया गया वो कहां से आया, चमगादड़ों से आया, बैट से इसकी ओरिजिन हुई, एंड स्प्रेड टू ह्यूमन बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। चूंकि चाइना में कुछ भी मार के खा लेते हैं, कुछ भी, सांप मार के खा लिए, बिच्छू मार के खा लिए, केकड़ा मार के खा लिए, कछुआ मार के खा लिए, कुत्ता मार के खा लिए, चमगादड़ मार के खा लिए, कुछ भी खा लेते हैं, तो ये बताया जाता है कि बैट से इसकी ओरिजिन हुई है और इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ह्यूमंस में आया है, राइट। तो अब भाई जाहिर सी बात, अब चीन वाले कुछ भी कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन COVID-19 स्प्रेड प्राइमरली वाया सलाइवा डिस्चार्ज, कम्युनिकेशन, स्नीजिंग। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन, इसीलिए 14 दिन तक इसका क्वारंटाइन पीरियड था। ओल्डर पीपल सबसे पहले रिस्क में थे, ठीक। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटिक, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, मींस जिनको कुछ और एडिशनल बीमारियां हैं वो कोविड के चपेट में जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो उनकी बीमारी है, वो आधी फोर्स, भाई किसी देश में अगर युद्ध छिड़ जाए तो आधी फोर्स, आधी मिलिट्री तो वहां चली गई, और दूसरी तरफ से युद्ध चल जाए तो फिर आप कमजोर पड़ गए ना। तो किस कोई इंसान अगर बीमार है तो उसकी जो इम्यूनिटी है, तो उस बीमारी से लड़ने में, साइड में दूसरे ने अटैक कर दिया, COVID-19 अपने आप में बहुत खतरनाक,
तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्टिव पीरियड नॉट मोर देन 10 डेज आफ्टर सिम्टम स्टार्ट अपीयरिंग, जिस दिन से सिम्टम आ जाते हैं 10 दिन से ज्यादा ये रहता नहीं, 10 दिन में ठीक हो जाता है या तो आदमी लेके चला जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, स्प्रेड कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से आप मिलोगे, ड्रॉपलेट शेयरिंग करोगे, है ना, तो उससे कफिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, मैंने बताया रेस्पिरेटरी में बिल्कुल सारे कॉमन फीचर्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता था, मोस्ट कॉमन सिम्टम फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ। वैसे भी जितना किताबों में लिखा उससे ज़्यादा इंसान अवेयर है कोविड के सिम्टम्स के बारे में। डायरिया, हेडेक, स्किन रैसेस, सोर थ्रोट, कंजक्टिवा, लॉस ऑफ द टेस्ट और स्मेल। याद करो, स्मेल चली गई, लोग डर गए कोविड हो गया, फिर मिर्ची खा के देखते थे कि स्वाद आ रहा है कि नहीं, तीखी नहीं लगी मिर्ची, कोविड हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें सूंघते थे कि काश स्मेल हमारी वापस आ जाए, कोविड ना हो। बहुत सारे हेल्दी लोग खाली डिटेक्ट हो गया कि कोविड है, वहीं हार्ट अटैक आ गया, मर गए बेचारे, है ना। सीरियस सिम्टम इंक्लूड क्या है, चेस्ट पेन, प्रेशर, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी सिस्टम की बीमारी है। लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, बोल नहीं पाते, ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थे कोविड 19 के। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मास्क पहन के रखो, 6 फीट की दूरी रखो, लोगों से मिलना कम करो, वॉश हैंड मैनी टाइम्स, गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, वैक्सीन ले लो, है ना, पार्टीज और फंक्शन बंद कर दो, डिसइंफेक्टेंट रखो, जितने घर के आर्टिकल जिनको आप छूते हो उनको टाइम टाइम पे डिसइंफेक्टेंट रखो। बहुत ज़्यादा आपके उसमें है नहीं, सिलेबस में ब्रीफ में है, जितना मैंने पढ़ा दिया इससे ज़्यादा कुछ नीड नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से इन्फ्लुएंजा हमने ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट में हम फिर डिप्थीरिया की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके 2-3 डिजीज और कवर करेंगे। ओके, बाय।